इससे ज़्यादा रिजल्ट आया या नहीं? आए मेरे लिए तालियां अपना हंसी। अभी ये कॉटन यूज़ करने के लायक नहीं है, लेकिन अगर आप स्पंज यूज़ कर रहे होते तो उसके अंदर ये सब चला जाना था। उसने तो खा जानी थी ये हर चीज़। अब तो यही लगना था हमारा जो स्पंज है ना ये सबसे अच्छा है। कारी साजिद एयरप्लेन मोड कर दो, कॉल आई ना। यहाँ पे आप इस डबल एक्शन की जगह कोई और डबल एक्शन रख दें, या कोई फेस वॉश रख दें, या कोई डीप क्लिंजर रख दें, इस क्लिंजर की जगह कोई और क्लिंजर रख दें, कोई भी और रख दें, ठीक है? ऐसे रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन सही है तो आप रिजल्ट ले सकते। अभी हम टॉनर यूज़ करेंगे, हमेशा टॉनर को शेक करके यूज़ करें। और इसको यूं लगाना है, मसाज नहीं करना, टैप करना। आमतौर पर यह होता है टोनर पकड़ती हैं और उसको भी मसाज करना शुरू करते हैं, नहीं करना मसाज। और आप देखेंगे टोनर के बाद स्किन के ऊपर फ्रेशनेस, क्योंकि उसने क्या किया है, पीएच लेवल को लगते ही नॉर्मल कर दिया। अब इसका हमने ड्राई होने का वेट करना है और उसके बाद हमने स्क्रब करना है, एक्सफोलिएशन करनी है। एक्सफोलिएशन से पहले टोनर इसलिए लगाया है कि एक्सफोलिएशन हमने करनी है, उसमें दाना है, उससे स्किन रगड़ खाएगी और गर्म हो जाएगी। इसको पहले नॉर्मल कर दिया ताकि अगर गर्म भी हो तो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अब देखें मैचिंग हो रही है स्किन की। जब तक हमें हमारे अभी चार स्टेप बाकी हैं, जब तक वो होंगे इंशाल्लाह ग्लो करेगी स्किन विदाउट ब्लीच। जिनको काम नहीं आता वो लोग ब्लीच यूज़ करते हैं, आप उन लोगों में शामिल हों जिनको काम की समझ है।